कम करता है, साथ साथ उसमें थोड़ा सा कड़वापन है और फ्लैक्सीड हम दे सकते हैं अपने पास जो है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि फ्लैक्सीड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो वो बाहर से भी अलसी के बीज की दाने से खरीद सकते हैं, राइट। तो इन सब प्रोडक्ट का हम कॉम्बिनेशन देख के शुगर को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर जाएगा नहीं। अगर शुगर जस्ट स्टार्ट हुआ है तो वो जाने का चांस है, जस्ट स्टार्ट हुआ है तो जाने का चांस है, लेकिन उसके लिए मस्ट है सबसे कि मॉर्निंग वॉक करना। आधा घंटा बहुत तेज चलना जरूरी है, किसी भी मेडिसिन से ज़्यादा मॉर्निंग वॉक काम करेगा। ऑफकोर्स उनको जल्दी उनको सपोर्टिव के लिए शुगर अवे रस, शुगर अवे टैबलेट, शुगर अवे रस जो है ये 20 ml लेना है। शुगर अवे टैबलेट खाना खाने के आधे घंटे या पौने घंटे पहले, एक दोपहर को, रात को और सुबह को नाश्ते के पहले। अगर उस व्यक्ति की 200 से 250 के ऊपर शुगर है, ठीक है, 250 के ऊपर शुगर है, तो हिमालय पेरी और शुगर कैप्सूल साथ में लेना मस्त है। समझ में आपको? यस। तो मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप एक आध मिनट में बता दीजिए, तो मैं थोड़ा डेमो स्टार्ट कर दूँ। नहीं देना है, सिर्फ अगर किडनी से संबंधित अगर शिकायत है तो उनको एलोनोनी जूस नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को किडनी में पथरी है हमको नहीं देना है, अगर उसका डायलिसिस चल रहा है तो भी हमको नहीं देना है। ऐसे टाइम में हम हिमालयन मेरी दे सकते हैं, हिमालयन मेरी जल्दी क्रिएटिन को कम करेगा। आज हमारे ब्लड प्रेशर बहुत हाई, ब्लड प्रेशर किसी को रहता है तो उसको आप एलोनोनी जूस मत दीजिए, उसको आप हिमालयन मेरी दीजिए, ठीक है, ये बहुत बेहतर तरीके से काम करेगा। थोड़ा जोर से बोलिए ताकि दूसरों का भी क्लियर हो। तो उसका जो भोजन विभाग है उन्हें क्या है? हाँ, तो आपने उनको दिया क्या क्या? हाँ बिल्कुल दिया था, बिल्कुल दिया था, आलू का दिया था और रोटी का दिया। रोटी मतलब क्या? ओके, देखिए अभी आपने उनको, इन्होंने एक व्यक्ति को फ्लोरल की तरफ समस्या दी, उनको तुलसी दिया, एलोवेरा दिया और क्या दिया? पेन अवे दिया और क्या दिया? पेन अवे ऑयल दिया, पेन अवे टैबलेट दिया और ही गर्ड, है ना। देखिए ये चीज़ें इन्होंने दी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उनको कोई भी मल्टी विटामिन नहीं दिया। मल्टी विटामिन ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उस व्यक्ति में जब तक शरीर में न्यूट्रिशन नहीं जाएगा तब तक उस व्यक्ति को ताकत नहीं आएगी, है ना। तो उसको हमको क्या करना है, तो नोनी जूस देना है और बिल्कुल देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको या तो उसको स्पिरुलिना हो या तो मोरिंगा, दोनों में से एक दो। या डेली डाइट देना है तो डेली डाइट में सुबह सुबह एक टैबलेट भी काफ़ी है। डेली डाइट हम किसी भी व्यक्ति को, कोई अगर बीमारी नहीं है लेकिन वो भी, मैं भी खुद लेती हूँ रेगुलर, अगर आप डेली डाइट टैबलेट लेते हैं सुबह दोपहर को खाना खाने के एक घंटे पहले, तो ये आपको एक प्रॉपर सुपर फूड प्रोवाइड करता है। एक फिटनेस के लिए बहुत अच्छी टैबलेट है जो हम रेगुलर, अगर हमको कोई तकलीफ नहीं है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी फिट रहे, तो आप डेली डाइट टैबलेट रेगुलर ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसे तो कोई भी मेडिसिन का अपने नहीं है, लेकिन डेली डाइट जो है ये एक बहुत बेहतरीन टैबलेट है। तो पतला व्यक्ति भी ले सकता है, मोटा व्यक्ति भी ले सकता है, जो आगे बीमार न हो। बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो आगे हम बीमार न हो इसके लिए है, राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम बीमार लोगों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो बीमार व्यक्ति जो है वो 3 से 6 महीने बाद जब ठीक होता है तो वो प्रोडक्ट लेना बंद करता है, फिर हमारा बिजनेस रुक जाता है। तो हमको अवेयरनेस इस चीज़ का करना है कि हम आगे बीमार न हो। आज हम स्वस्थ है लेकिन आज हम बीमार न हो।